अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की मास्टर स्टिचिंग कोर्स की क्लास में मैं आपको बताऊंगी लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स लार्ज ट्राउज़र काटने का तरीका। कपड़े को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है, जैसा मैंने आपको बताया है कि आपने फोर्थ फोल्ड में कपड़े को प्रेस करना है, वो मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। आपने भी जो चीज़ कटिंग करनी होती है उसको पहले से प्रेस कर लिया करें। अच्छा, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर ड्रॉ वाली वीडियो देखें, जहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लार्ज ट्राउज़र या लार्ज ट्राउज़र के आपको तरीका बताया, थोड़ा सा गाइड किया था कि आपने उसको किस तरह से रखना है। अच्छा, कपड़ा मैंने जो फ्रंट बैक छोटी बड़ी रखते हैं वो मैंने 2.5-2.5 इंच ऑलरेडी सारी तरफ से रख दी है। बाकी चीज़ें तो सब कॉमन है, आपको पता है। आपने सबसे पहले जो मार्क करना है वो 2-2 इंच का निशान आप यहाँ से ले लें। पूरी नीचे जितना आपका ट्राउज़र का कपड़ा है आप फुल नीचे तक 2-2 इंच का मार्क लगाएं और उस लाइन को आपस में जोड़ दें। लाजमी नहीं होता कि आप लाइंस को इतना डार्क करें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए की हुई है, अदरवाइज डॉटेड में लाइंस लगाई जाती हैं। उसके बाद आपने जो फ्रंट का 2.5 हिस्सा होता है, जो जहाँ पे इलास्टिक डलती है, वो भी निशान लगा लें। बाकी ऑलमोस्ट वही चीज़ है, इसमें अगर कुछ डिफरेंट है तो वो ये 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से छोड़ने वाला कपड़ा, वो डिफरेंट है। लार्ज के लिए मैंने आपको 13 कहा था, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आप 14 कर लें। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसी साइज़ में 1 इंच कम 1 इंच ज़्यादा 2 इंच ज़्यादा कर सकते हैं। म्याने का साइज़ ले लेंगे, लार्ज में मैंने आपसे मतलब लार्ज का साइज़ मैंने 14 बताया था और यहाँ पे मैं साइज़ बताऊँगी 15, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लार्ज की तरफ अगर हम जाते हैं तो 15 मैंने आसन का साइज़ लिया है। अब यहाँ पे घेर जो है वो लार्ज के लिए 17 लिया था, तो आपके पास अगर बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप 19 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं। ये सब साइज़ आपके आ रहे हैं लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स लार्ज में। मैंने 19 इंच निशान लिया फ्रंट का। अब इसको दरमियान करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्राउज़र का दरमियान करना कभी भी मत भूलें, आप दरमियान लाजमी किया करें। अब लेंथ का हमने उसके बाद निशान लगाना है, आपको जितनी लेंथ चाहिए ये अब आप पे डिपेंड करता है। वैसे हार्डली 36-37। एक और हेल्दी लोगों के लिए मैं बात बताती चलूँ कि जिन लोगों का मतलब हेल्दी साइज़ है, ये वाला साइज़ है लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स लार्ज है, कि वो अपना ट्राउज़र शलवार से 2 इंच बड़ा रखा करें। अगर आपकी शलवार 37 तैयार होती है तो आपको 39 रखना चाहिए, 2 इंच हमेशा बड़ा रखना है आपने अपना ट्राउज़र। अभी मैं जो ट्राउज़र का साइज़ तैयार रख रही हूँ वो मैं रख रही हूँ 37 तैयार रख रही हूँ। अच्छा, यहाँ से हमने आसन की तो गोलाई लाजमी करनी है, ठीक है, क्योंकि ट्राउजर में ये वो शेप है जिससे आपकी टांगों से ट्राउजर खिंचता नहीं है। 5-7 इंच रखना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं 90, 100 या 110 तक की केजीज की जो लड़कियां हैं उनकी टांगे नीचे पाँव के पास टखने के पास से हेल्दी होती हैं, उनके लिए छोटा पांचा ठीक नहीं है। अब यहां से हम घुटने का साइज़ ले लेते हैं, और घुटने का साइज़ जिन लड़कियों को कन्फ्यूजन है कि कहां से लेनी है, भाई टखने से आपने इंच स्टेप को लेना है और जहाँ आपका घुटना आ रहा है आपने वहाँ तक करना है। अभी जो घुटने का साइज़ मैंने लिया है वन साइड का, वो मैं ले रही हूँ 11 इंच, क्योंकि पीछे भी इंक्लूड हो जाएगा। अब ये आपने मेजर करना है कि राउंड अबाउट आपका क्या साइज आता है। 11 इंच मैंने ये लिया है, ये आ गई हमारी घुटने की लाइन। अब इनको हम मैच कर देते हैं, यहां से भी मैच कर लें। आगे से आपने इस तरह की शेप कर लेनी है। अब वैसे तो बेसिक ट्राउज़र में मैंने आपको कहा था कि आपने चारों कपड़ों को इकट्ठे काटना है, लेकिन यहाँ पे लार्ज में, एक्स्ट्रा लार्ज में आपने जस्ट फ्रंट 2 जो ऊपर के 2 पल्ले हैं सिर्फ उनको कट करना है।
पांचे को कितना फोल्ड करना है ये आपकी चॉइस है। आप तीन करें, चार करें, जितना भी आप करना चाहती हैं आप उतना फोल्ड कर सकते हैं। ये पांचा फोल्ड वो साथ ही आपने बीच में ही कट करना होता है। अगर तो आपको डिज़ाइन करने होते हैं फिर आप बीच में नहीं कट कर सकती। यहाँ से जो हमने 2 इंच कपड़ा लिया था वो अब आप इस शेप के साथ साथ 2-2 इंच लें। और यहाँ से आसन तक आपने 2.5 लेना है और आसन से तकरीबन 2 इंच नीचे तक भी आपने 2.5 ही लेना होता है। उसके बाद आप ऐसा ऐसा 2-2 इंचेस हो जाएं। ऊपर आसन की जो शेप है वो यही देनी है हर हाल में, चाहे आपका छोटा ट्राउजर है चाहे बड़ा ट्राउजर है। ये जो पिछले 2 पल्ले हैं इनको भी मैं 2 इंच पे कट कर रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कि इस लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज ट्राउज़र का फ़र्क। जो थोड़ी सी स्लिम स्मार्ट सी हैं, मीडियम साइज़ वाली लड़कियाँ, उनको ज़रूरत नहीं है इस तरह का मेथड यूज़ करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, अब इस तरह का ट्राउज़र जब आप काटेंगे तो चाहे इससे भी हेल्दी हो, उसके लिए फिर यही होता है कि आपको बड़े पैर वाला कपड़ा लेना पड़ता है, तो उनके ट्राउज़र्स कभी घुटने से फटेंगे नहीं। ये मेथड है आपका। इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूंगी। तो वैसे बेसिक है, जिनको नहीं पता वो ट्राउज़र की स्टिचिंग की वीडियो देख लें। यही है कि आपने ऊपर वाले जो फ्रंट है उनकी आसन जोड़नी है, बैक की आसन जोड़नी है, फिर इनकी बैक की सिलाइयाँ लगानी है। अब यहाँ पर यह है कि बैक ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए इनको मतलब जोड़ के सिलाई लगानी है। अब इसके बाद इस कपड़े को आपने दरमियान नहीं करना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगा। और जिन लड़कियों को बहुत शौक है हेल्दी लड़कियों को ट्राउज़र पहनने का, वो इस तरह से ट्राउज़र कट करें और पहने। उम्मीद है कि आपके ट्राउज़र बहुत अच्छे स्टिच होंगे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।